हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोरा के बारे में, क्योंकि कोरा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे तुम क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, और गूगल में मतलब मोस्टली कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें कोरा का ही पोस्ट रैंक होता है। तो एक बेस्ट वे है कि तुम कोरा पे क्वेश्चन आंसरिंग करो, और बहुत कुछ मेथड है कोरा में जिसके थ्रू तुम कोरा से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, और वो सब पोस्ट या वो सब क्वेश्चन आंसर गूगल में भी रैंक होते हैं। तो वहाँ से अच्छा खासा ट्रैफिक निकाल सकते हो और सेल भी जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आजकल एफिलेट मार्केटिंग के लिए, क्लिक बैंक के लिए, या अकेले अकेले नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एफिलेट मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा लोग कोरा का यूज़ करते हैं, क्योंकि कोरा फ्री प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे एड नहीं चलाने की ज़रूरत नहीं है। कोरा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरा में सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आते हैं। मानो कि तुम्हारा बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट कौन सा है, तो वहाँ पे कोरा में तुमको आंसर मिल जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हमें भी कोरा का यूज़ करना चाहिए एफिलेट मार्केटिंग में, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से कर रहा हूँ कोरा का। जो मेरी साइंस की वेबसाइट थी पहले, जिस पे मैं साइंस के आर्टिकल लिखता था और टेक पे आर्टिकल लिखता था, तो मैंने उसमें ओनली 1 मंथ काम किया था कोरा पे। और मतलब 15-20 दिन काम करने के बाद मुझे डेली का 400 से 500 विजिटर खाली कोरा से ही आते हैं। तो आप मान सकते हो कि कोरा से कितना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो आज मैं बताऊंगा कि कोरा में कैसे क्वेश्चन आंसरिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि कोई क्वेश्चन का आंसर देना है पर कैसे लिखे, क्या लिखे। तो इसका मेथड भी मैं बताऊंगा, उतना कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट ही है, वो भी मैं पूरा बताऊंगा क्या करना है। वो बिल्कुल इजीली है, खाली दिन का 1 to 2 hours आप देंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे, और उसमें एक ग्रुप जैसा भी है, जैसे फेसबुक ग्रुप है वैसे वहाँ पे भी ऑप्शन है स्पेस का। तो वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे करना है क्या करना है। तो चलिए सिस्टम में चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे करना है। ये मेरा एक कोरा का अकाउंट है पुराना, जिसमें मैंने अब तुमको बताया था कि मेरा टेक वेबसाइट पे मैं कोरा में काम करता था। तो यही ये अकाउंट है। मैं कुछ आपको स्टेट्स दिखाना चाहता हूँ कि मुझे कैसा स्टेट्स मिला था इसमें जब काम कर रहा था तब। अभी नहीं काम करता इसमें, पहले करता था। तो यहाँ पे दिखाता हूँ ऑल टाइम में जाके, तो आप देख सकते हैं कि कितना व्यूज़ मुझे मिला था। मैंने ओनली 1 मंथ के आसपास ही काम किया था, ज़्यादा नहीं किया था। अगर मैं ज़्यादा काम करता तो इसमें कंटिन्यूस मेरा रिजल्ट अच्छा आता, पर मैंने वो वेबसाइट सेल कर दिया था, फिर मैंने काम करना इसमें बंद कर दिया। तो यही तरीका मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया था और आप भी कैसे कर सकते हो एफिलेट मार्केटिंग में। मेरा एफिलेट मार्केटिंग रिलेटेड भी कोरा में है एक प्रोफाइल, पर मैं वो अभी शो नहीं कर सकता। अगर आगे जाके ऐसा लगेगा शो करना तो मैं ज़रूर शो करूँगा। तो मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आंसरिंग कैसे करना है। तो मैन है यहाँ पे, पहले तुम सर्च करो हेल्थ रिलेटेड। मानो कि तुम्हारा कोई भी तुम्हारी प्रोडक्ट हो उसके रिलेटेड तुमको पहले सर्च करना है, थोड़ा देखना है कि लोगों ने कैसे आंसर दिया, क्या किया हो। तो हमने जो ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियो में सब ये लैंडिंग पेज शेयर किए हैं वही है ये सब। तो इसमें हम डेंटिटॉक्स का लेते हैं के डेंटिटॉक्स के बारे में कोरा में क्या क्या अवेलेबल है। तो ये भी शेयर कर सकते हो, नहीं तो फिर प्रोस्टा स्ट्रीम का भी अच्छा है, लैंडिंग पेज मैंने आपके साथ शेयर किया, वो भी वर्क करेगा इसमें। तो हम इसमें पहले सर्च करते हैं डेंटिटॉक्स पे कुछ है इसमें। तो डेंटिटॉक्स प्रो रिव्यू, हाउ डेंटिटॉक्स प्रो वर्क, बहुत सारे है ऑलरेडी आंसर और कुछ ने पोस्ट भी डाला हुआ है। तो हमको ऐसे ही करना है पूरा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में आना है, और यहाँ पे ऐड टॉपिक करके ये सब रिमूव कर देना है। डेंटिटॉक्स प्रो ऐड कर सकते हो आप। आपको जिसके रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए वो सब यहाँ पे डाल दो तुम, तो
तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप कोई भी डाल सकते हो, वेट लॉस का डाल सकते हो, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा ये हो गया। डेंटिटॉक्स प्रो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में जो भी है यहाँ पे सब कुछ आएगा कि क्वेश्चन क्या है, आंसर में भी है। यहाँ पे कोई एक ओपन करके देखते हैं हम कि इसमें क्या है। तो ये लिखा है व्हाट इज़ ए डेंटिटॉक्स प्रो पिल्स, मतलब डेंटिटॉक्स प्रो सप्लीमेंट क्या है। तो यहाँ से आपको आंसर पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर सबको सब कुछ ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे वो मेन दिक्कत है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे ही उनको लगता है कि हम आंसर खुद लिखना पड़ेगा तो ही अलाउ करेगा कोरा। ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरी वेबसाइट से कॉपी कर सकते हो। तो इसे हम गूगल में सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आता है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐड चल रहा है पहले तो, और यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी रिव्यू है। तो आपको क्या करना है कि ये रिव्यू में से कोई एक रिव्यू में से नहीं उठाना है, पूरा सब रिव्यू में से थोड़ा थोड़ा अलग अलग उठाओ तो कोरा को कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे देखा वो गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ट्रैफिक कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। अगर कोई भी सर्च करेगा गूगल में तो ये आर्टिकल पे आएगा, ऐसे यहाँ पे सीधा कोरा में आएगा और कोरा में सबके आंसर पड़ेगा जो भी है वो। अगर तुम्हारा आंसर सही रहा, थोड़ा अच्छा थोड़ा लॉन्ग आंसर रहा तुम्हारा, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करेगा तुम्हारा। तो कोई भी आपका आर्टिकल पहले रीड कर सकता है और यहाँ से आपके सीधे आपके वेबसाइट में आ सकता है। तो इससे बहुत अच्छा ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमको कुछ SEO नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोरा का ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी सब कुछ हाई है। तो कोरा का कोई भी आर्टिकल इजीली आप रैंक करा सकते हो, आंसर हो या स्पेस में तुमने कुछ पोस्ट डाला हो वो भी इजीली रैंक हो जाता है गूगल में। तो इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि कोरा एक बार ट्राई करो, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रैफिक कोरा से जनरेट कर सकते हो और फ्री में बहुत अच्छा सेल जनरेट कर सकते हो। तो ये कुछ मैं ये ओपन करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसमें कॉपीराइट भी आ सकता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब में कॉपी करो, मैंने एक पूरा रेडी करके रखा है कि कैसे कॉपी करना है वो। ये मैंने कॉपी किया है, दूसरी साइट से ही कॉपी किया है, मैंने खुद नहीं लिखा है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो इसे हम पूरा कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसका आंसर देना है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम। और ये पूरा सही से कर दो। ये अगर आपको इमेज डालना है तो इमेज भी डाल सकते हो डेंटिटॉक्स प्रो का, वो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं है, इमेज भी डाल सकते हो आप। तो थोड़ा एट्रैक्टिव बनाओ आपका आंसर के लोग इजीली रीड कर सके और आपकी वेबसाइट पे आने का चांसेस बढ़ जाए ऐसे। तो यहाँ पे कुछ बोल्ड कर देते हैं हम टेक्स्ट, तो इससे क्या है थोड़ा एट्रैक्टिव लगेगा अपना आंसर। ये सब कर देते हैं। और हमेशा एक आंसर में एक ही लिंक दो, ज़्यादा मत दो आपकी वेबसाइट का, क्योंकि ज़्यादा आप एक से ज़्यादा लिंक दोगे तो वो कोरा ये तुम्हारा आंसर दिया है उसको डिलीट कर देगा। तो मेरा सजेशन है एक ही लिंक देना आपका डेंटिटॉक्स प्रो का, जो भी प्रोडक्ट का है वो। तो ये हमारा डेंटिटॉक्स प्रो का है, तो इसे कॉपी करके यहाँ पे आना है कोरा में, और कोरा में आके इसे सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे जाओ, ये यहाँ से लिंक करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे हमारा लिंक आ गया, देखो कैसा लिंक आ गया। अगर इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हो, कंट्रोल बी दबा के बोल्ड कर दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं करना है, बस इसको पोस्ट कर देना है। तो हमारा आर्टिकल ये पोस्ट हो गया। और अभी ये सब तुम्हारे टॉपिक होते हैं कि कौन से टॉपिक पे है वो सब, तो यहाँ पे टॉपिक ऐड कर दो के डेंटिटॉक्स प्रो।
यहाँ पे थोड़ा बहुत डाल दो कुछ भी। ये क्या है, तुम्हारा टॉपिक हो गया। अगर फिर से कोई भी डेंटिटॉक्स प्रो रिलेटेड आर्टिकल क्वेश्चन एक्सचेंज होगा तो आपको यहाँ पे तो पूरी आपकी प्रोफाइल में ही शो कर देगा, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। देखो हमारा ये आंसर पूरा क्लियर हो गया, आंसर दे दिया हमने। अगर अभी कोई भी सर्च करेगा यहाँ पे, ऑलरेडी रैंक है तो यहाँ पे कोई भी आएगा तो दो आंसर टोटल दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक पहले किसी ने दिया हुआ है वो और दूसरा हमारा दिखा रहा है। देखो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, तो आप सोच सकते हो कि कितना बढ़िया ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी आंसर हो, आप आंसर ढूंढो पहले कोरा में, उसको गूगल में सर्च करके देखो कि कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, और ट्राई करो कि उन्हीं का आंसर अभी दो तुम जो जो फर्स्ट पेज में रैंक कर रहा है, तो उससे जल्दी ट्रैफिक आ सकता है। क्योंकि कोई नए क्वेश्चन का आंसर देने में आप जाओगे तो उसको रैंक होने में टाइम लगेगा, पर ऑलरेडी जो क्वेश्चन गूगल में रैंक है उसी के आंसर देने का ट्राई करो, तो बहुत अच्छा सा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो आप। अभी एक बात तो ये हो गई कि आंसर कैसे करना है वो, दूसरा बात है कि जैसे फेसबुक में ग्रुप है वैसे इसमें भी ऑप्शन होता है स्पेस का। यहाँ पे स्पेस का ऑप्शन है, मेरे मेरे भी बहुत सारे स्पेस है इसमें और मैंने दूसरों के भी ज्वाइन किए हैं। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपका एक स्पेस क्रिएट करना है पहले, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। स्पेस में आओ, यहाँ पे आके क्रिएट करो और यहाँ पे क्रिएट स्पेस करो, और यहाँ पे नाम क्या देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी नाम देके कर लेते हैं। पर अलग अलग स्पेस बनाओ अलग अलग टॉपिक का, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग स्पेस भी बना सकते हो, पर वो इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि एक प्रोडक्ट के बारे में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चार पांच पोस्ट रहेगा। तो कुछ स्पेशल टॉपिक पकड़ो कि जैसे वेट लॉस हो गया, डेंटल हेल्थ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, वैसे अलग अलग स्पेस बना दो। जैसे हम बनाते हैं वेट लॉस का बना सकते हैं, वेट लॉस सप्लीमेंट भी लिख सकते हैं, जो अवेलेबल नाम होगा वही यहाँ पे दिखाएगा। अगर नहीं है तो आगे पीछे कुछ लिख दो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये अभी कॉमन नाम है तो उतना जल्दी आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे नाम। तो वेट लॉस सप्लीमेंट्स, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, सही कर दिया। यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे दो कि वेट लॉस सप्लीमेंट के बारे में, तो यहाँ पे गूगल में ही सर्च कर लो, हमको खुद थोड़ी लिखना है, तो यहाँ से कुछ कॉपी कर लो, ऐसा कुछ भी कॉपी कर लो चलेगा। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, तो मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आप अच्छे से ढूंढ के अच्छे से लिखना, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन और तुम्हारा ये नाम जितना अच्छा रहेगा, जितना डिटेलेड रहेगा, उतना कोरा में आपको ज़्यादा रैंकिंग मिलेगा आपकी स्पेस को। तो ये अच्छे से लिखना पूरा, और हमेशा याद रखना कि जहाँ जो यहाँ पे ऊपर वाला है वो यहाँ पे नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे पिल्स है तो हमको सप्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये एसईओ के लिए ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स फॉर वुमन ये क्रिएट कर दो ऐसे। अभी स्कीप इंपोर्टिंग, हमको इंपोर्ट नहीं करना है कुछ भी। अगर आपके कोरा में कुछ फ्रेंड है तो उनको इनवाइट करना है ज्वाइन करने के लिए, तो वो भी कर सकते हो आप ऐसे। यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके प्रीव्यू इनवाइट कर सकते हो, पर मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। तो हमारा स्पेस रेडी हो गया, अभी यहाँ पे हमको इमेज लगाना है पहले ऊपर के, कोई भी अच्छा सा इमेज लगाओ, क्योंकि ये ग्रुप की तरह ही है तो पूरा ऑप्टिमाइज रहेगा तुम्हारा स्पेस, तभी उसको रैंकिंग मिलेगी। तो उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेटिंग में आओ, और यहाँ पे है ये रहा आइकॉन, तो यहाँ पे आके कोई भी वेट लॉस का आइकॉन डाल सकते हो। तो यहाँ पे इमेज सर्च कर लेते हैं हम, और यहाँ पे मोर में टूल्स में जाके
जो कॉपीराइट नहीं है वो इमेज ले सकते हैं हम, क्रिएटिव कॉमन कॉमन लाइसेंस, मतलब ये इमेज हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ये होता है। ऐसा भी इमेज डाल सकते हो अगर आपको कोई फोटो वाला इमेज डालना है, वेट लॉस वाला, तो वो भी डाल सकते हो। मैं वेट लॉस का डाल देता हूँ कोई अच्छा सा इमेज। टूल्स में जाके क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, अभी के लिए ये इमेज डाल देते हैं। कोई अच्छा सा इमेज ढूंढ के डालना आप, पर मैं अभी ये दिखा देता हूँ आपको कैसे डालना है वो। तो इसे सेव कर लो पहले, और यहाँ पे आके एडिट करके इसको पेस्ट कर दो। कवर फ़ोटो में भी कुछ ना कुछ डालना रहेगा तो कुछ भी डाल सकते हो आप, ऐसे टैबलेट का भी डाल सकते हो, वेट लॉस टैबलेट। तो ये पूरा हो गया अपना, अभी अपना पूरा देखो ऊपर रेडी हो गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, सब कुछ आ गया। तो अब हमें यहाँ पे पोस्ट डालना है, तो अब पोस्ट कैसे डालेंगे? तो आपके जितने आर्टिकल है, वैसे मेरा एक एक आर्टिकल है, वैसे दो तीन आर्टिकल कॉपी बना लो, जैसे मैंने पिंटरेस्ट वाले वीडियो में बनाया बताया था कि कैसे अलग अलग आर्टिकल बनाने हैं एक को कॉपी करके, तो वैसे अलग अलग बना लो दो तीन आर्टिकल, फिर उसका लिंक ही देना है आपको यहाँ पे। हाँ, मैं अभी ये लेता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई बना हुआ नहीं है यहाँ पे, तो ये लेता हूँ। तो इसको कॉपी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे, और लर्न मोर करके यहाँ पे डाल देते हैं लिंक। डेंटीटॉक्स प्रो, तो ये आ गया पूरा अपना, ये आर्टिकल आ जाएगा पूरा, क्योंकि ये अच्छे से रैंक करता है। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, पर आप यहाँ पे ऐसा लिखना कि जो गूगल या बिंग में सर्च होता हो, मानो कि डेंटीटॉक्स प्रो हम सर्च करते हैं, तो नीचे यहाँ पे बहुत सारा दिखाता है कीवर्ड। तो इसमें से ये इंग्रेडिएंट वाला भी कर सकते हो, वेयर टू बाय वाला भी ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोई भी ये सर्च करेगा मानो के वेयर टू बाय डेंटीटॉक्स प्रो, तो अगर आपने कोरा में उस रिलेटेड कुछ लिखा है, पोस्ट किया हुआ है, तो चांसेस है कि वो यहाँ पे भी रैंक करे तुम्हारा गूगल में। तो डायरेक्ट तुमको, क्योंकि ये कीवर्ड बाइंग कीवर्ड है, तो इस पर डायरेक्ट ट्राफिक आने का चांसेस रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी दिक्कत हो रहा है कि गूगल में ऐड चला रहे हैं, जो जैसे मैंने बताया था, पर मैंने ब्रांड बिडिंग नहीं बताया था, पर लोग ब्रांड बिडिंग करने लगे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को सेल तो आ रहा है पर वो कमीशन नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्जीप्योर प्रोडक्ट में बहुत सारे लोगों को कमीशन नहीं मिला है सेल्स आने के बाद भी, तो उसमें डायरेक्ट हम ब्रांड बिडिंग नहीं कर सकते, पर ऐसे आर्टिकल रैंक करवा के हम इजीली सेल ला सकते हैं, और इसमें प्रोडक्ट वेंडर को कुछ दिक्कत नहीं होता है कि वो अपना बंद कर दे ऐसा कुछ। हाँ, तुम स्कैम या ऐसे वर्ड मत यूज़ करो, अपने कोई भी टेक्स्ट लिखो उसमें स्कैम फ्रॉड ऐसा वर्ड मत यूज़ करो, नहीं तो वेंडर आपको सस्पेंड कर देगा, जीरो कमीशन कर देगा आपका। तो ऐसे ही है, इसको फिर पोस्ट कर दो यहाँ पे। हो गया पोस्ट। तो ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट के आप दिन में 10 से 15 पोस्ट कर सकते हो। अगर रेगुलर तुमने डेली 10 से 15 पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आराम से तुम 15-20 दिन काम करोगे तो बहुत अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हो अपनी वेबसाइट पे, और क्लिक बैंक पे भी आएगा ट्रैफिक, क्योंकि बहुत सारे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं कोरा, तो
तो एक कोरा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अच्छा खासा सेल जनरेट कर सकते हो कोरा से। क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि कोरा के बारे में बहुत लोगों ने बताया है, पर ये प्रॉपर नहीं बताया कि कैसे करना है क्या करना है। ऐसे सीधा बता देते हैं कि ऐसे करना है क्या करना है, पर ये नहीं बताएगा कोई कि कोरा कोरा का कौन सा आर्टिकल गूगल में रैंक कर रहा है और उसी पे कैसे आंसर लिखना है, वो किसी ने नहीं बताया था। इसलिए मुझे ये पूरा वीडियो बनाना पड़ा। तो ये प्रॉपर मेथड फॉलो करो और जो भी रिजल्ट आए मुझे कमेंट में या मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे शेयर करना, तो मुझे खुशी होगा। तो बस यही था कोरा में, और ये बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि कई सारे वीडियो आपने देखी होगी कोरा के बारे में, पर ऐसा तुमको नहीं बताया होगा कि कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है, कैसे स्पेस में पोस्ट डालना है, वो सब। तो इस पे आप कंटिन्यूस वर्क करोगे, क्योंकि मुझे फेसबुक और अपना पिंटरेस्ट उन सबसे भी अच्छा लगा, क्योंकि कोरा में ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है और जो प्रोडक्ट के रिलेटेड, नीच के रिलेटेड तुम्हारा ट्रैफिक आता है। क्योंकि कोई भी वेट लॉस का प्रोडक्ट सर्च करे, वेट लॉस के बारे में सर्च करेगा, अगर उसको ज़रूरत है तो ही सर्च करेगा, तो एक टारगेटेड ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है कि इससे आप सेल जनरेट कर सको। तो इस पर आप कंटिन्यूस वर्क करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे से वर्क करोगे इसमें, और जो भी रिजल्ट आए मुझे बाद में ये वीडियो में कमेंट में बताना कि मेरा ये रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया। अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है वो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद।